हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए चिली मलाई पनीर की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बच्चों और घर के बड़ों सबों को बहुत ही पसंद आएगी। इसमें बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने की विधि देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 300 ग्राम पनीर ले लिया है और पनीर को लेकर मैंने उसे स्क्वायर में काट लिया था। और अब मैंने इसमें लगभग हाफ़ टी स्पून ताजे कूटे हुए मैं ब्लैक पेपर को डाल दूंगी, काली मिर्च को। आपके पास अगर मार्केट वाले तो आप उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ताजे काली मिर्च से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ताजे कूटे हुए काली मिर्च ही डालिए। और अब मैंने इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा सॉल्ट मिलाया है। केवल मैं अभी पनीर के हिसाब से ही सॉल्ट मिलाऊँगी और सॉल्ट मिला के मैं सब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी फ्रेंड्स। और अब देखिए, मैंने पैन को रखा है चूल्हे पर और इसमें मैं लगभग 2 टेबलस्पून भर करके घी डाल दूंगी। आप चाहे तो घी के जगह पर बटर या ऑयल किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन चूंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं और न्यूट्रिशियस बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच भर करके प्योर घी डाला है। घी या बटर के साथ इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब दोनों चीज़ों को हमने पनीर के साथ अच्छी तरह से टॉस कर लिया है और जब थोड़े से घी गर्म हुए तो मैंने उसमें डाल दिया है और हल्के हाथ से मैं चलाते हुए इसे हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी दोस्तों। बहुत ही हल्का करना है, हल्के हाथों से चलाइएगा वरना पनीर के टूटने का डर रहता है। इसे हमें दोनों तरफ से हल्का हल्का सुनहरा करना है। और अब मैंने इसमें लगभग हाफ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। देखिए, मैंने दोनों तरफ से हल्के हल्के हाथों से इसे रोस्ट कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, बस हल्का सा सुनहरा होते ही इसे वापस निकाल लेना है दोस्तों, नहीं तो पनीर बहुत ही चीवी हो जाते हैं। और अब हमारे पनीर हो गए हैं लगभग, देखिए एक तरफ से अच्छी तरह से सुनहरे हो गए हैं। पलट पलट कर मैंने इन्हें अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी दोस्तों। बचे हुए घी में ही मैं आगे की चीज़ें इसमें डालूँगी, क्योंकि इन घी में बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। ऊपर से अभी हमें कोई घी नहीं डालना है, जो बचे हुए घी हैं उसी में मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स। और अब मैंने देखिए लगभग 4 चम्मच भर करके मैंने मिल्क पाउडर लिया है और उसमें मैंने आलमंड्स और काजू के पेस्ट को मिला दिया है। लगभग 7 मैंने काजू लिया था और उतना ही मैंने आलमंड्स लिया था और उसे मैंने अच्छी तरह बारीक पीस के पेस्ट बना लिया है और उसी पेस्ट को मैं अच्छी तरह से अपने मिल्क पाउडर में घोल दूंगी दोस्तों। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप 1 कप दूध के साथ घोल के इस पेस्ट को उसे भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी तीखी चाहिए तो पेस्ट करते समय आप 1 ग्रीन चिली डाल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन चूंकि हमने बच्चों के हिसाब से बनाया है इसलिए मैंने ग्रीन चिली नहीं डाला है, चिली फ्लेक्स ही डाला है दोस्तों। और अब जब ये लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हल्के भुन गए थे तो मैंने अपने रोस्ट किए हुए पनीर को डाल दिया है। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी जिससे कि हमारे दूध और काजू बादाम के पेस्ट जो हमने डाला वो जले नहीं। और ऊपर नीचे करके हमने पनीर को इसमें अच्छी तरह से मिला दिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लाती हूँ। और अब देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स डाला है और साथ ही में मैं इसमें मिक्स हर्ब डालूँगी। आप चाहें तो ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, लेकिन मिक्स हर्ब से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। साथ ही में मैं लगभग 1/4 टीस्पून फिर से इसमें ब्लैक पेपर डाल दूँगी
और अब मैं सभी चीज़ों को एक बार ऊपर से नीचे तक चला दूँगी। दोस्तों बहुत ही जल्दी बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइए। और फुल ऑफ प्रोटीन है क्योंकि इसमें हमने मिल्क का प्रयोग किया है, इसमें हमने पनीर का प्रयोग किया है, साथ में ही हमने घी डाला है जो सुपर फूड है। इसे आप ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। थोड़ा सा और पानी मैंने मिक्स किया था जिसमें कि अच्छी तरह से जो हमारी जो थोड़ी सी ग्रेवी है, हमें इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, बस वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। अब मैंने इसमें स्वादानुसार नमक मिलाया है, ध्यान से नमक दीजिएगा क्योंकि हमने पहले भी पनीर को फ्राई करते समय नमक डाला है, इसलिए नमक मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला है और लगभग 1/4 टीस्पून मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी से इसमें मिठास नहीं आएगी बल्कि ये इसके सभी फ्लेवर को बहुत ही अच्छा एनहेंस करती है। और लगभग मैं 2 टेबलस्पून भर करके मलाई ले लूँगी, घर की ताज़ी मलाई ले लीजिएगा। मलाई नहीं हो तो आप क्रीम भी ले सकते हैं, ताज़ी कोई भी पैकेट वाली, लेकिन मलाई अगर घर की ताज़ी वाली हो तो उसे पेट के डालिए, इसमें बहुत ही अच्छी रिचनेस और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने 2 टेबलस्पून भर करके मलाई इसमें डाल दिया दोस्तों, और देखिए अब हमारी चिली मलाई पनीर बिल्कुल रेडी है। इसे आप पूड़ी पराठे नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, इवन कि आप पुलाव के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है, आपके घर के बच्चों और बड़ों सबों को पसंद आएगी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है फ्रेंड, इसे ज़रूर बनाइएगा। इसमें हल्का हल्का चिली का और ब्लैक पेपर का बहुत ही हल्का फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें एक चीज़ के क्यूब को लेकर अच्छी तरह से ग्रेट करके डाल दूँगी। चीज़ बच्चों की पसंदीदा चीज़ होती है और दूसरे इसमें भी बहुत कैल्शियम होता है, इसलिए मैंने इसमें भी डाला, इसे भी डाला है। इस तरह से ग्रेट करके मैंने एक क्यूब लिया था, उसे मैं अच्छी तरह से ग्रेट करके डाल दूंगी दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स अब हमारी चिली मलाई पनीर बिल्कुल रेडी है। इसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ खाइए, घर वालों के साथ खाइए, बहुत ही पसंद आएगी सबों को। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।